कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने स्मृति ईरानी पर राष्ट्रपति मुर्मू का अनादर करने का लगाया आरोप, लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। ला यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन, छात्रों ने कहा देश का भविष्य आपके ऊपर। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया में फोड़, पार्टी को सत्ता रहा है तो फाड़ का डर। महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में 13 ठिकानों पर AIN की छापेमारी, SIS से जुड़ा है मामला। मीराबाई चानू के गोल्डन जीतने से ही गर्व से चौड़ा हो गया है देश का सीना, PM से लेकर मणिपुर के CM ने दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। इन दिनों देश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हो रहा लगातार बारिश के कारण देश के कई नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है, और अगर बात करें बनारस की तो यहां अभी गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव देखने को मिल रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में गंगा का जलस्तर 66.50 मीटर पर बह रहा है। गंगा में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ाव जारी है। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से लगभग 4 मीटर नीचे बह रही है। वहीं हमारे संवाददाता आफताब आलम ने वाराणसी की खिड़किया घाट से इसका जायजा लिया, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में बारिश होने के कारण विभिन्न नदियां जो है वो उफान पर हैं। इसको लेकर के हम बात करेंगे इस वक्त बनारस की, तो बनारस के गंगा जो है उसमें भी काफ़ी उफान देखने को मिल रहा है। बनारस जो घाटों के नाम से जाना जाता है, 84 घाटों के नाम से जाना जाता है, बनारस का इस वक्त 84 घाटों का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। मैं आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं खिड़किया घाट पर। आप देखिए यहाँ पर ये राजघाट पुल है जो लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ता है। आपको देखिए कि इस वक्त जो पुल जो पानी है वो कितना चौड़ाई इसकी देखिए कितनी लंबी चौड़ी है, जो कि इतना अमूमन दिनों में इतना नहीं रहता है। हालांकि इस वक्त जो है तो पूरी तरीके से पानी का जो बहाव वो तेज़ी से है, लगभग 66 मीटर के हिसाब से इस समय गंगा बह रही है। और यही देखिए यहाँ एक रेलिंग बनाई गई थी जिसे लोग उतरते थे और उतर करके पानी में जाते थे, लेकिन आज हम आपको बता दें कि ये रेलिंग पूरी तरीके से डूब चुकी है। ये CNG का ये भी आपको दिखा दें कि यहाँ से बोट के लिए CNG भरने आते थे लोग, ये भी धीरे धीरे ऊपर आ गए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटक आते थे लोग घूमने के लिए फिरने के लिए, लोगों का इस समय पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। नौका चलता था, लोग यहाँ पर तफरी करने के लिए आते थे, नाव चालन जो है उसको भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नाव पर बैठकर लोग सैर सपाटा करते थे वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। अभी लोग आते हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है, जिसको हर किसी को घाट पर आने की इजाज़त नहीं मिल रही है, ऊपर से ही वो देख पा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बाढ़ की स्थिति से प्रशासन किस तरीके से पड़ती है। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफताब। मथुरा में हरियाली तीज पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी ने सोने चांदी से बने हिंडोले झूले में विराजमान होकर झूला झूलेंगे। आपको बता दें कि बांके बिहारी के दिव्य दर्शन करने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। हरियाली तीज का झूला है, इसमें ठाकुर जी राधा रानी को झूठा देंगे, राधा रानी को बैठा के झूला झुलाएंगे। जब राधा रानी थक जाएंगी तो पीछे सैया लगी हुई है, वहाँ जाके राधा रानी का श्रृंगार भी ठाकुर जी करेंगे। आपने अंदर देखा होगा एक सैया है, उसके बगल में दर्पण वगैरह है कि राधा रानी का जब हवा लगती है तो श्रृंगार जो है बिखर जाता है, इसीलिए आज के दिन सिंगारा जो है राधा रानी को चढ़ाया जाता है। और ये जो झूला है वो स्वर्ण का और चांदी का दोनों का निर्मित है, और जिस समय देश आज़ाद हुआ उसी समय से ये प्रथम बार लगा था, और जब से आज तक इसको 76 साल हो गए ठाकुर जी की सेवा में लगते हुए। इसी तरह हम हर साल यहाँ पर ठाकुर जी जब हरियाली तीज पे सोने और चांदी के हिंडोले में झूला झूलते हैं उनके दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि ठाकुर जी के ऐसे दर्शन करने से जीवन में स्वास्थ्य में हर तरीके से हरियाली होती है, जीवन खुशियों से संपन्न होता है। संभल में रस्तोगी महिला समाज की ओर से हरियाली तीज का महोत्सव सनातन पब्लिक स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आभारी
रस्तोगी द्वारा की गई, महिला समाज के मंत्री किरण रस्तोगी के साथ साथ समाज की सभी महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरा नाम दीपा रस्तोगी है, हम यहाँ तीजोत्सव मनाने के लिए आए हैं। तीज पर महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और नए नए कपड़े पहनती हैं। हम भी यहाँ सब मिलकर तीज पर अपना सब सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और सबको मिलकर यहाँ पे बच्चों ने डांस किए हैं और हम सब ने भी पूरा आनंद उठाया इस प्रोग्राम का। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। फरीदाबाद के एरा डिवाइन सोसाइटी के निवेशकों ने सेक्टर 12 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन किया और सरकार के गुमराह लगाई कि उनके खिलाफ इंसाफ किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेशनल कंपनी ला ट्यूनल द्वारा जो आईपीआर यानी इक्सावेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल निर्धारित किया गया है, वह निवेशकों के साथ ना देकर बिल्डरों का साथ दे रहा है। भगवान भोलेनाथ का सबसे लोकप्रिय महीना चल रहा है। इसी पूरे महीने में शिव भक्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। गंगा जल लेकर भोलेनाथ के दरबार पहुंचने के लिए कांवड़ियों की रफ्तार देखने में लगी हुई है। इस क्रम में प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्गों से जाने वाले शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को है, ऐसे में कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाबा दरबार जाने वाले कांवड़ियों के स्वागत भव्य के लिए भव्य तैयारियाँ शुरू हैं। सोमवार को सुबह से लेकर शाम तक भक्तों के ऊपर फूलों की वर्षा की जाएगी। वासी है और पिछले साल से अधिक इस बार हमारे ऊपर पुष्प की बरसात हुई है और हम इसी तरह खुश रहेंगे और हमारे साथ बुलडोजर बाबा रहेंगे तो हमारा देश और विकास करेगा और हम हमेशा चाहेंगे कि वो 5 वर्ष के बाद फिर आए और फिर हमारे देश में रहें और हमारे देश ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे जागरूक होता रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा हम लोग खुश हैं कि वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं और हम भी इतना उनके बारे में सोचते हैं। आज उनको हम लोगों ने लाया है, आज हमारी एकता की वजह से वो इस देश में आए हैं और हमेशा वो आते रहेंगे। जी हम लोग बस जाने ही वाले थे कि प्रशासन ने बताया कि हम लोगों के ऊपर यहाँ फूलों की वर्षा बुलडोजर बाबा करने वाले, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए और इंजॉय करने लगे। छोटे छोटे हमारे बच्चे आए, 3 साल 4 साल सब कांवड़िया लेके आए हैं, उनको लोग वीडियो में दिखाइए तो सबको और उत्साहित हो गए बच्चे लोग। और हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि फूलों की वर्षा ही बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। खबर अलीगढ़ से, जहां के छर्रा अड्डा रेलवे क्रॉसिंग के पास पटरी की साइड में बैठा युवक अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस मामले में सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खबर गोरखपुर से, जहाँ डीजी जेल के जिला कारागार का निरीक्षण किया, साथ ही मेज देखते हुए उन्होंने कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। बता दें कि साफ सफाई की व्यवस्था सही मिलने पर जेल प्रशासन की प्रशंसा भी की गई। प्रदेश में इस समय 271 जैमर जी टोटल जी। यहाँ पर भी जो जैमर है वो 3G का है जी, लेकिन हाँ उसको चित्रित करने की आवश्यकता है। 4G तो ऑलरेडी आ चुका है और 5G के आने की भी संभावना है जी। तो इसमें एक कार्य योजना ये बन रही है कि मोबाइल सिग्नल्स को डिफ्लेक्ट करने जी, दिल्ली में तिहाड़ जेल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जी। उसके बारे में फर्दर उसका क्या परफॉर्मेंस रही है उस पर भी अब हम लोग बात कर रहे हैं। फरीदाबाद में झुग्गियों और गुमटियों को तोड़ने के विरोध में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अचानक से झुग्गियों और आसपास की गुमटियों को तोड़ दिया गया, जिसके चलते सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और कई लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। और इस आरोप लगाते हुए भी उन्होंने शराब माफियों के इशारे पर जहाँ तोड़फोड़ की जा रही है ये भी आरोप लगाया। गरीब आदमियों को उजाड़ा जा रहा है और इनको जो काफी टाइम से यहाँ रह रहे थे लोग जी, तो इनको एज इट इज रहने दिया जाए तो पहले बताना चाहिए था तोड़ने से पहले जी। इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और तोड़ दिए इनके सारे आशय। नगर निगम की तरफ से कोई नोटिस वगैरह इनको नहीं दिया गया? नहीं दिया जी कोई। तो तोड़ने की वजह क्या है, किस लिए तोड़ा जा रहा है? अब ये जो ठेका है शराब का, इस वजह से तोड़ा जा रहा है। ठेके वाले को ठेका पड़ा। तो कितनी झुग्गियाँ हैं जो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का? ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं जी। प्रदर्शन करने का मेन हमारा मकसद यही है, जो गरीब लोग हैं जैसे हम लोग हैं और इन्हों का जो सारा तोड़ दिया है, झुग्गी या कोई भी दुकान किसी ने खोल रखी है या किसी ने खोखा खोल रखा है,
हमको बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे, 15 साल हो गया है जिससे हमारा रोजगार चलता है, ठीक है, हमारे घर की रोटी इसी से चलती है। आज ये अगर तोड़ देते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया एमसीएफ वालों ने तोड़ा है या हुड्डा वालों ने तोड़ा है, तो उसका पहले कोई वो होना चाहिए ना, लेटर वगैरह का, भैया ये वहाँ से लेटर आया है हमें तोड़ने के लिए। नगर निगम से कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। यहाँ पे देखिए, हमने परमिशन ले रखी है यहाँ पे दुकानों की, ये उन्होंने नहीं मानी है। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है मनोज सूर्यवंशी। मनोज, पूरा ये जो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गई हैं, इस पे आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? बता दें कि जो लोग हैं वो बल्लमगढ़ के सोना टी पॉइंट के पास की झुग्गी है, जहां पर ये कई करीबन 25-30 सालों से लगातार ये रह रहे थे, और रोजगार इनका जो सड़क किनारे बेचकर मक्का बेचकर अपना जो गुजर बसर कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं नगर निगम ने बिना नोटिस के जो कार्रवाई की है। इनका आरोप है कि जो नगर निगम है वो यहाँ दारू के ठेके की जगह हाथा खोलना चाहता है, जिसके वजह से इनकी झुग्गियों को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर आज करीबन 30-40 लोगों ने प्रदर्शन किया है, और उन्होंने कहा है कि नगर निगम ने बिना नोटिस के जो तोड़फोड़ किया, जिससे कि उनका नुकसान भी हो गया, और एक लड़की की शादी थी वहाँ पर जो उसका सामान वहाँ था, और वो सारे सामान को तोड़ दिया, और इन्हें सामान निकालने का जो मौका है वो इनको नहीं दिया गया। उसको विरोध में आज उन्होंने प्रदर्शन किया है, और उनकी मांग यह है कि सरकार को जो सरकारी जमीन है और भी खाली है, पर शराब का ठेका जो पहले ही ऑलरेडी खुला हुआ है, अब यहाँ पर जो हाथा खुल जाएगा, जिसके बाद यहाँ अब वारदात की अगर बात की जाए तो वो लगातार बढ़ जाएंगी। जी मनोज, खबर को सही जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी में उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट होने से 2 मंजिला मकान जमीन दोज हो गया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शुरू कर दी है। अमेठी में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट होने से 2 मंजिला मकान जमीन दोस्त हो गया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुड़ी है। इस खबर पर हमारे साथ अरविंद मौजूद हैं। अरविंद, पूरा ये जो जमीन दोस्त मकान बिल्डिंग हुई है, इसके संबंध में आपके पास क्या जानकारी है? जी आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि आज सुबह से ही विस्फोट वाले स्थान पे फॉरेंसिक टीम पहुंची है, और उसके फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई है, और जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं। ऐसे में गांव वालों की अगर जब बात बताई जाए तो वह जो व्यक्ति था जिसके यहाँ विस्फोट हुआ है, उसके यहाँ कुछ बारूद की सामग्री से कुछ विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते थे, और अगर पुलिस प्रशासन की मैं बात मानूं तो पुलिस प्रशासन ने पहले ये जानकारी दी थी कि यहाँ पर सिलेंडर के फटने से ये हादसा हुआ था। इस खबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सुल्तानपुर जनपद से, जहाँ रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें से 3 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर रूप के चलते जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। अखंड नगर थाना क्षेत्र के मखदूमपुर की घटना है ये। महमदपुर की बात है, ये घरेलू मामला है, ये जैसे पटीदारी मामला है, ये घर में लैट्रिन बनवा रहे थे, घर में लैट्रिन बनाने से चाचा नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने जबरदस्ती बनाया था, इसलिए इन लोगों ने मारा। बोल रहे हैं कि तुम लोग आना जाना रास्ता बंद करो अपना। आज इसमें क्या हुआ? आज इसमें क्या हुआ? आज ये घर से निकल रहे थे हिंदू परिषद के लिए, उसमें सदस्य हैं हिंदू परिषद के, उसके लिए निकल रहे थे तैयार होकर, तो हमारे नई के इधर पलस्तर के लिए खड़ा किया गया था, और राम भोसला तिवारी ना। खबर शाहजहांपुर से, जहां कल सोमवार का 3रा सोमवार होने की वजह से आज सुबह से ही फर्रुखाबाद से गोला गोरखनाथ के लिए हजारों की संख्या में कांवड़ियों से गुजर रहे, जिसके चलते पुलिस कप्तान चौराहे पर गुजर रहे कांवड़ियों को खुद अपने हाथ से भोजन करा रहे हैं, और यहां से गुजर रहे हजारों की संख्या में कांवड़ियों पर पूर्व वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। और हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु गोला गोरखनाथ मंदिर में जल चढ़ाने को जा रहे हैं, जिसकी हमारी तैयारी शुरू से ही मुकम्मल है। पूरे रूट पर कोई बड़ी गाड़ी जो
के अलावा हो उसको आने नहीं दिया जा रहा है, ट्रैफिक डाइवर्शन किया गया है। और बहुत उत्साह और उमंग के साथ लोग बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर जा रहे हैं। इसमें प्रशासन भी उनके सहयोग में है, और जैसा आपने भी देखा हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से थाना रोजा के प्रभारी निरीक्षक, हमारे CEO सदर, SP सिटी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और उन पर पुष्प वर्षा की गई। हमीरपुर जनपद के राज कोतवाली पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां चोरी के मामले में एक आरोपी को पकड़ने के लिए आरोपी के घर में स्थानीय पुलिस गई, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी की पत्नी को पकड़ लिया और महिला को 3 दिन तक कोतवाली के एक कमरे में बंद रखकर उसे मारपीट की। पूरे मामले की गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है। कौन साहब? देवी दिन साहब। हाँ। एक मैडम जी गई थी। हाँ। घर में तोड़ा फोड़ी की। हाँ। हम मंडी से सब्जी लेकर गए थे, तो रिक्शे पे एक लाठी मारी पे घर में ले जाकर अंदर मारते रहे। हाँ। अब हम चलते नहीं बन रहा। अब वो लड़का कह रहा था कि तुम्हारे आदमी ने हमारे साथ में चोरी की, हमें कुछ पता नहीं। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि थाना राज क्षेत्र में बिलरक गांव में एक चोरी का वांछित नामजद अभियुक्त सीताराम पुत्र जंग बहादुर के घर पुलिस दबिश देने गई थी, जिसमें महिला उप निरीक्षक, महिला कांस्टेबल और पुरुष उप निरीक्षक और पुरुष कांस्टेबल की टीम बनाई गई थी। उनके द्वारा दबिश देने के समय ही जो पुरुष जो वांछित अभियुक्त था वो मौके से फरार हो गया था, और उसकी महिला के द्वारा भी पुलिस टीम से अभद्रता की जा रही थी, जिस पर महिला उप निरीक्षक और महिला कांस्टेबल के द्वारा उसको हिरासत में लिया गया और तत्पश्चात उसके लगातार चर्चा में चल रही दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली शॉर्ट फिल्म हाईवे नाइट ऑस्कर के लिए क्वालिफाई हुई है, जिसको लेकर गाजियाबाद पहुंचे इस फिल्म के डायरेक्टर शुभम सिंह ने खुशी जताई। वहीं फिल्म के डायरेक्टर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत के दौरान बताया कि इस फिल्म का विषय शिक्षा से संबंधित है और ये फिल्म प्रस्टिट्यूशन से जुड़ी छोटी लड़कियों को लेकर है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए क्वालिफाई होने से मुझे बहुत खुशी है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के कौशाम्बी रेडिशन ब्लू होटल के अंदर में, जहां पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर शुभम जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मूवी उन्होंने बनाई है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, और कितनी उम्मीदें हैं उनको ऑस्कर के उस मूवी से, आइए उनसे डायरेक्ट हम बात करते हैं। शुभम जी, ये बताइए कि ऑस्कर के लिए आपकी मूवी हाईवे नाइट्स जो नॉमिनेट हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी फिल्म क्वालिफाई हुई है ऑस्कर के लिए, और जी, और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और देश के लिए भी कि फिल्म ऑस्कर, क्योंकि ऑस्कर एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दुनिया का प्रतिष्ठित अवार्ड फंक्शन है, और फिल्म वहाँ जीतती है तो इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है देश के लिए या मेरे लिए। ऑस्कर के लिए जिस तरह से कई मूवियाँ जो है हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ऑस्कर नहीं जीता, कितनी क्या उम्मीदें हैं कि आपकी मूवी ऑस्कर इस बार लेकर ही आएगी? देखिए, हाँ, भारत से तो अभी तक किसी फिल्म को ऑस्कर नहीं मिला है, और मैं तो, मेरी तो पूरी उम्मीदें हैं कि फिल्म को ऑस्कर ज़रूर मिले, और मिलना भी चाहिए, मिलना इसलिए भी चाहिए क्योंकि फिल्म को ऑस्कर मिलने से एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उन जो संदेश है फिल्म का, जो मकसद है फिल्म का, वो चरितार्थ हो जाएगा, और लोग शायद उसको और सीरियसली लेना शुरू करेंगे और चीज़ें फिर अपने हिसाब से और बेहतर हो जाएंगी। तो ऑस्कर मिलने से एक टैग लग जाता है फिल्म को कि वाकई में फिल्म अच्छी है और वाकई में इस मुद्दे पे काम होना चाहिए। जैसे कि आपने जो मूवी बनाई है, कितना आपका बजट उसमें लगा और कौन कौन से किरदार हैं उस मूवी के अंदर? देखिए, मेजरली तो प्रकाश जी ने काम किया है, प्रकाश झा जी ने ये ट्रक ड्राइवर को रोल प्ले किया है, और माजल व्यास ने इसमें वो प्रोस्टिट्यूशन छोटी बच्ची का रोल प्ले किया। तो हम अक्सर हाईवे पे जाते हैं, एक दिन मैं भी हाईवे पे गया और ढाबा पे रुका, और वहाँ पे मैंने खाना खाया और मैंने देखा कि छोटी सी बच्ची है जो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, और वो वहाँ पे थी, और एक बूढ़े अंकल ने उसको बुलाया और खाना खिलाया और वहाँ से चली गई। तो उसको प्रोस्टिट्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ अपना पेट भरना है, अपनी जीविका चलानी है, जीविका में भी सिर्फ उसको भोजन चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको। तो वो थॉट वहाँ से क्लिक हुआ। उसके बाद मैंने 4 महीने रिसर्च किया इस पर, और रिसर्च में मैंने जब देखा, मैंने पाया कि ये चीज़ें जितनी ज़्यादा दिख रही हैं ऊपरी लेयर पर, उससे कहीं ज़्यादा गर्त में है। तो फिर मुझे लगा कि इस मुद्दे पर काम करना चाहिए, इस मुद्दे को बनाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुझ तक ना रहे, पूरे देश तक रहे, पूरी दुनिया तक रहे, और
इसीलिए ज़्यादा खुशी होती है कि जब बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में इसको सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो मतलब मैं, मेरे साथ ये पूरा हिंदुस्तान है, पूरा पूरा देश है कि जो जिसको ये संदेश पसंद आ रहा है। बजट के बारे में बताइए, कितना बजट आपका इस मूवी में लगा है बनाने में? देखिए 20 लाख रुपए में इसको फिल्म को कंप्लीट कर लिया। हालांकि फिल्म में किसी एक्टर ने कोई पैसे नहीं लिए और पूरी टीम बहुत सपोर्ट कर रही थी और हाईवे पे शूट किया हम लोगों ने। बड़ी बहुत मुश्किल था शूट करना उस वक्त, लेकिन बहुत अच्छे से फिल्म शूट हो गई। तो ये थे हमारे साथ शुभम जी, जो जिन्होंने बताया कि जो मूवी बनाने का मकसद था इनका, एक लोगों के लिए एक जागरूकता दिखाई जाए, जिस तरह से प्रोस्टिट्यूशन में लड़कियां जो बच्चियां जा रही हैं उनको लेकर खास तौर पे एक संदेश दिया जाए कि वो लोग इस तरह से ना प्रोस्टिट्यूशन में जाएं। गाज़ियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी के लिए। बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 4 फर्जी पुलिसकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी पुलिस फर्जी पुलिस वाले रोड की चेकिंग करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, अवैध असलाह, कारतूस बरामद किया है और चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि सभी आरोपी गोंडा जिले के रहने वाले थे। विशेषरगंज थाना क्षेत्र में पूर्वा एक गाँव है, जहाँ पे रामेश्वर यादव जी एक किसान हैं, उन्होंने अपना खेत वो पेड़ बेचा हुआ था और उसका ठेकेदार कटाई करा करके उसको ले जा रहा था। तो उसमें 4 व्यक्ति थे, अजय सिंह, सतीश सिंह, श्रीराम मिश्रा और पिंटू परम कुमार सिंह, ये गोंडा के रहने वाले हैं। ये लोग स्विफ्ट गाड़ी से आए और उस पर होटल लगा हुआ था, गाड़ी पे शीशे पे पुलिस लिखा हुआ था, होटल बजाते हुए आए और इन्होंने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हम लोग पुलिस वाले हैं और तुम बिना परमिट के कैसे पेड़ कटवा रहे हो, और उसको उन्होंने 20,000 रुपये की मांग की वहाँ पर। इसी तरह से 2-3 लोग और थे जो हेलमेट लगा के नहीं जा रहे थे, तो उनको उन्होंने रोक करके जो है उसको चालान करने की कोशिश की और उनको पैसा वसूलने की कोशिश किया। खबर रायबरेली से, जहां खंड विकास अधिकारी ने कटघर स्थित गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला की रख रखाव करने वाले कर्मचारियों को दिशा निर्देशित किया। हालांकि गौशाला के कर्मचारियों द्वारा गायों की देखभाल ठीक से की जा रही है। ये सब गलत है, यहां कुछ क्षमता से ज़्यादा जानवर हो जाते हैं। प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा जब बाहर से जानवर भेजे जाते तो यहाँ क्षमता ज़्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिक्कत आती है और जितना हो सकता है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि सही सब लोगों को जानवर जा रहा, साफ़ सफाई आप लोग खुद ही देख रहे हैं, सब हो रही है। और मैं प्रतिदिन यहाँ का निरीक्षण करता हूँ और हमारे लेबर आते हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था तो मैंने यहाँ काफ़ी व्यवस्था करा दी। खंड विकास अधिकारी का हमारे यहाँ बहुत रोल है, चारा की भी समस्या होती, चारा की भी समस्या को कहीं कहीं निदान कराते हैं लोगों से, जो वो करके चंदा करके होता है, कभी कभी दिक्कत आती है, पैसा नहीं आ पाता समय से तो भी कराते हैं। ये हमारे कटघर में पड़ती है गौशाला और बाकी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। पशु संख्या का एक इशू है क्योंकि क्षमता इसकी 120 के आसपास है और जबकि संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैनेज करने में समस्या आती है। बाकी चारा भूसा सब कुछ है यहाँ पर, साफ़ सफाई की कोई दिक्कत नहीं, पूरा खड़ंजा है, कोई जल भराव नहीं हो सकता है, तो बस समस्या है थोड़ी सी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज बड़े अच्छे से कर रहे हैं। खबर गाज़ियाबाद से, जहाँ 75 वर्षीय वृद्ध गजराज ने भांजे के अपने ही मामा को पीटकर उसके ही घर से बाहर निकालकर घर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वृद्ध अपनी ही फरियाद लेकर थाना टीला मोड़ पर पहुंचे, जहां थाना टीला मोड़ पर प्रभारी ने वृद्ध को न्याय दिलाते हुए उनके घर में भेज दिया एवं भांजे को हिदायत देते हुए कहा कि वह व्यक्ति उनके साथ कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। मेरे मकान में मेरा भांजा कहा कि जो 1-2 महीना में रह लूँ जी, मेरे घर खर्चा नहीं है, यूँ नहीं है, पैसा नहीं है, धेला नहीं है, तो कर रह ले भैया, मुझे भी थोड़ा सा जो है वो हो जाएगा, रह ले तू। और तो अब निकल नहीं रहे, मेरे कई दफ़े मेरी बेइज्जती करी थी, मतलब जो है, और पिछले महीने की 28 तारीख में तो मैं निकाल ही दिया बेटी चोर की, वहाँ भी ने धक्का आपके घर से आपको भगा दिया। हाँ जी, अब यहाँ आए क्या उम्मीद करके आए पुलिस के पास? उम्मीद तो यूँ है, मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, मैं तो यूँ ही कर सकती है पुलिस ही, और पुलिस के सिवा मेरा और है भी क्या। सीनियर सिटीजन है, उम्र करीब 75 वर्ष, मिस्टर गजराज सिंह हैं और इनकी शादी नहीं हो रही है और
बच्चा भी इनके कोई नहीं है। इन्होंने अपने भांजे को और भांजे के परिवार को, जिसमें पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं, अपने पास रहने के लिए बुला लिया था अपने फ्लैट में। फ्लैट इन्हीं के नाम पर है, बिल्डर फ्लैट है जो गजराज जी के नाम पर है। और इनके भांजे ने और उनकी पत्नी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, खाना देना बंद कर दिया। पुलिस के द्वारा इनको वापस इनके मकान में प्रविष्ट करा दिया गया है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इस्लामिक साल के पहले महीने मुहर्रम की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस साल कोरोना वायरस के प्रकोप कम हो चुका है, जिसके चलते इमामबाड़ा के मुहर्रम की पूरी तैयारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में शिया समुदाय समेत इमाम हुसैन के चाहने वाले शामिल होंगे। और इसमें जो है आज चांद रात की मजलिस है, फिर 10 दिन आपकी मतलब आज सुबह तक यहाँ पे मजलिसें चली जाएंगी, जिसमें बाहर से आलिम आ रहे हैं मजलिस पढ़ने के लिए। और जो अपने वतन नहीं जा सकते हैं, जो अपने मतलब घर नहीं जा सकते हैं, तो वो यहाँ पर मतलब मजलिस करने के लिए आ सकते हैं। और ये ऊपर वाले की वो है कि मतलब जो बंदा मतलब बाहर से अपने कमाने के लिए या पढ़ने के लिए आता है, उसे इतना बड़ा अच्छा मरकज मिला हुआ है कि यहाँ की मजलिसें हो रही हैं, तो कर सकता है, मतलब कोई ऐसी नहीं। खबर गोंडा से, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग लड़के से चोरी करवाने वाले पिता व चोरों की चोरी की हुई साइकिल खरीदने वाले कबाड़ी को साइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर मैनपुरी से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के भोगांव रोड पर पूजा ढाबा के बराबर विक्रम किराना स्टोर पर भाजपा नेता और किराना स्टोर के स्वामी रात 10:30 बजे उनकी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी वहां सामान लेने आया एक युवक दुकानदार से मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और कहा कि दोषियों को के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। 10:30 बजे के बीच में चंदन लोधी राजपूत भाजपा नेता महामंत्री जी आए हमारे यहाँ से सामान लिया, पहले भी लेते रहे सामान जी, तो कुछ पैसे देते रहे और कुछ मैं लिखता रहा, जो बात की था वो लिखता रहा, और कुछ पैसे उन्होंने जमा भी किए, 100 रुपये एक बार जमा किए तो वो मैंने उनके लिख दिए, और बाकी जो पैसे हुए थे तो मैं गया, मैंने मेरे यहाँ सामान लिया, वो बाजू में एक ढाबा है वहाँ खाना खाने चले गए। मैं अपनी दुकान बंद करके 10:30 बजे जा रहा था, तब मैंने उनसे अपने पैसे मांगे, मैंने ये 17 रुपये और कुछ पहले के भी पैसे हैं वो जोड़ के सारे पैसे मैंने बताया कि इतने पैसे हो गए दे दो, तो इतने में वो हमसे कहने लगे, तुम मुझे जानता नहीं, मैं जिला महामंत्री नेता हूँ, ठीक है, हमने क्योंकि इसमें महामंत्री नेता की कोई बात क्या है इसमें है, फिर इतने में एक उनका ओम भी है वो सब लोग गाली गलौज करने में। आप लोगों के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, उसकी जाँच करा रहे हैं, जो भी होगा उसके आगे कार्रवाई। खबर अयोध्या से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामचंद्र दास परमहंस की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी, जिसको लेकर दिगंबर अखाड़ा के महंत ने बताया कि आज पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और अयोध्या के विकास को लेकर भी तमाम चर्चाएं की और अधिकारियों को भी कड़े दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को उन्होंने दूसरे रूप से डांटा तो जरूर, लेकिन दूसरे रूप से सुरक्षा के बारे में उन्होंने विशेष करके और अयोध्या के विकास के लिए, यातायात के लिए और सड़क के लिए और सुरक्षा के लिए उन्होंने सब प्रकार से कहा कि अयोध्या का विकास हो और बढ़िया से बढ़िया विकास हो, और जो वो कहे कि जो पैसा दिया जाता है वो पैसा दूसरे मद में खर्चा होता है हमको सब मालूम है, उन्होंने कहा, इसलिए जिस चीज़ के लिए पैसा दिया जाता है उसमें खर्चा हो और अयोध्या के पूर्ण रूप से विकास हो। खबर कुशीनगर से, जहां के ग्राम पंचायत शंखापार माफी निवासिनी ने अपने 24 साल के बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लगभग पहले महीने दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। थाना कोतवाली पर जाने के बाद झूठा आश्वासन दिया जा रहा था, अब देखने की बात यह होगी कि प्रशासन की तरफ से पीड़िता को कितनी मदद मिलती है। सर आपका नाम? मेरा नाम संजय पटेल है, ग्राम सभा संसद का प्रधान हूँ। मेरे गाँव का पुलिस थाना पुखार चौहान का लड़का है, काफ़ी दिनों से मतलब गांव में फिक्र नहीं रह रहा था, दिमाग की रूप से पूरा डिस्टर्ब था,
चार पाँच महीनों से गायब है और पुलिस प्रशासन में उसका कंप्लेन दर्ज है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। खोजावट मरल में लड़का हमारा मिलन नहीं, पूरा खोज है नहीं, थाना में गए नहीं, गुमसुमी दर्ज करवाओ नहीं। अब वहाँ पर गए नहीं तो कहना सब थाना पुलिस वाला कि जाओ पूरा रिश्तेदारी में पूरा मन रिलेशन में खोजो, रिलेशन में खोज मिलेगा लड़का सोचना देंगे। हम कहानी ठीक बा, कई बार गए नहीं, ये बात हमेशा हमेशा कर ले। कितना दिन हो गए? अब 5 महीना तक, 22 फरवरी के गोल बना, अभी तक कौनो कार्रवाई नहीं। देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र के ग्राम सजुआ के सैकड़ों की संख्या में दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर महिलाओं के साथ अभद्रता की व मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि गांव के ग्राम प्रधान हमारी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। जब हम लोगों ने प्रधान के विरोध किया तो ग्राम प्रधान हमारे साथ मारपीट करने लगे और हमारे हरे भरे पेड़ों को भी अपनी दबंगई से काट दिया गया। प्रधान जी हैं, प्रधान बना या और एक जने उदयभान मास्टर हमारे घर के पीछे हैं, वही हमारे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। रोड के लिए वो हमारे साथ झगड़ा करते हैं, बार बार हम लोग को परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, घर में भी जाते हैं। एसटीएफ उत्तर प्रदेश को 31/7/2022 को आयोजित राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सर्वर बैठाने एवं अन्य माध्यमों से विभिन्न परीक्षाओं के केंद्रों में अनुचित तरीके से परीक्षा का नियम भंग करने वाले सर्वरों, गैंग लीडरों एवं अभ्यर्थियों सहित 21 व्यक्तियों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिससे स्थानीय पुलिस द्वारा अग्रिम विधायकी कार्रवाई को की जा रही है। इसे गैंग के अन्य सदस्यों के संबंध में भी सूचना एकत्र की जा रही है। आज दिनांक 31 जुलाई 2022 को लेखपाल, राजस्व लेखपाल की भर्ती हेतु 12 जनपदों में 501 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा था। इसमें एसटीएफ को पूर्व से ही जानकारी मिली थी अभिसूचना संकलन के दौरान कि कुछ गैंग्स सॉल्वर्स का इस्तेमाल करके परीक्षा की शुचिता को भंग करेंगे और कुछ गैंग्स सॉल्वर्स के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस आदि का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों को अनुचित नकल कराने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के गैंग्स की गिरफ्तारी हुई है। कुल 21 व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए हैं। खबर कानपुर से, जहां लेखपाल की परीक्षा में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। एसटीएफ ने कानपुर यूनिट से गोविंद नगर के माया देवी बालिका कॉलेज सेंटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल कर रहे आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुई है। एसटीएफ और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।